हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्चना शर्मा। आज हम लोग बनाएंगे बैंगन का भरता। बहुत ही टेस्टी सी बनने वाली ये रेसिपी है और बहुत ही वर्सेटाइल होती है। आप इसे चपाती या राइस किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो बैंगन का भरता बनाने के लिए मैंने ये दो बड़े वाले काले बैंगन ले लिए हैं और तीन टमाटर मीडियम साइज़ के ले लिए हैं और इसमें प्रिक कर दिया है चाकू से, क्योंकि बैंगन जब रोस्ट होता है तो फिर वो फट सकता है अगर उसे हम प्रिक नहीं करेंगे तो। तो ये देखिए, इसे हम तेल से ग्रीस कर लेंगे इस तरीके से। तो मैंने टमाटर बैंगन सबको ग्रीस कर लिया है तेल से। इसके बाद एक ऐसी ग्रिल जो है हम रख करके और गैस पर इन्हें भूनेंगे। तो पहले हम लोग बैंगन भून लेंगे, उसके बाद टमाटर को भूनेंगे। तो एक के बाद एक सारी चीज़ों को भून लेंगे। बहुत ही अच्छी और सौंधी खुशबू आती है इस तरीके से रोस्ट करके बनाने से बैंगन के भरते में, और बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छा सा बनता है, टेस्टी बिल्कुल। और ठंडा करके रोस्ट करने के बाद इनके हम छिलके उतार लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने बैंगन को अच्छे से रोस्ट कर लिया है, बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। और दूसरे साइड मैंने टमाटर रख दिए हैं रोस्ट होने के लिए। तो मैंने बैंगन और टमाटर सभी को रोस्ट कर लिया है और इनके छिलके उतार कर इस तरीके से देखिए रख लिया है एक बर्तन में। अब जो है हम इन्हें मैश कर लेंगे और फिर इन्हें भूनेंगे कढ़ाई में। तो यहाँ पर मैंने एक पैन गरम कर लिया है और इसे पूरा मैश कर लिया है, टमाटर और बैंगन को एक साथ। और ये मैंने सरसों का तेल ले लिया है 1.5 बड़े चम्मच। सरसों के तेल में काफ़ी अच्छी टेस्टी सी रेसिपी बनती है इसकी, जो है हमारे बैंगन की भरते की। तो यहाँ मैंने ज़ीरा 1 बड़ा चम्मच और हींग डाल दिया है, हींग ज़रूर डालें। और उसके बाद लहसुन डाल दिया है मैंने कटा हुआ 4 से 5 कलियाँ। और फिर ये अदरक है ग्रेट किया हुआ 1 इंच, मैंने वो ऐड किया है। सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने मेंशन किए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप चेकआउट कर लें। और ये देखिए, मैंने हरी मिर्च जो है 1 बड़ी वो ऐड की है बारीक काट करके। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना स्पाइसी खाना चाहते हो। वैसे ये स्पाइसी ही बनता है, ये अगर स्पाइसी ना बने तो मज़ा नहीं आएगा खाने में। तो ये सारी चीज़ें डाल लेने के बाद हम लोग हल्का सा इसे रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद हमने प्याज ऐड करी है 1 बड़ी प्याज कट करके, और भूनेंगे हम लोग इन सारी चीज़ों को एक साथ में लगभग 2 से 3 मिनट के लिए। ये देखिए, इस तरीके से प्याज जब हल्का पक जाएगा तो हम लोग इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। तो ये 2 बड़े टमाटर मैंने लेकर के काट कर यहाँ ऐड कर दिए हैं। और अब हम यहाँ पर धनिया पाउडर, उसके बाद हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे और फिर इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके बाद हल्का सा नमक ऐड किया है मैंने, ताकि जो है कुकिंग प्रोसेस जल्दी हो टमाटर और प्याज की। तो ये देखिए, मिला दिया है अच्छे से मैंने। इसके बाद जो है हम लोग कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे कलर के लिए, ये ऑप्शनल है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे आपस में। और फिर किचन किंग मसाला मैंने ऐड किया है 1 बड़े चम्मच। तो ये किचन किंग मसाला ऐड करके मिक्स कर देंगे अच्छे से। काफ़ी टेस्टी सा होता है ये किचन किंग मसाला और स्वाद बढ़ा देता है बिल्कुल किसी भी सब्ज़ी का। तो ये देखिए, इसे मैंने ढक करके और थोड़ी देर पका लिया था। हमारे टमाटर बिल्कुल पक चुके हैं 4 से 5 मिनट कुक करने के बाद। इसके बाद हम लोग ऐड करेंगे इसमें जो हमने मैश किए हुए रोस्टेड बैंगन और टमाटर रखे हैं वो, और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके हम इसे 4 से 5 मिनट और कुक करेंगे, ताकि सारे मसाले जो हैं बैंगन और टमाटर के साथ अच्छे से जज्ब हो जाए। तो ये देखिए, लास्ट में इधर मैंने नमक ऐड कर दिया है स्वाद के अनुसार, मिला देंगे। और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे लगभग 2 बड़े चम्मच,
और अच्छे से सारी चीज़ों को आपस में मिक्स कर देंगे। और ये लास्ट में हल्का सा गरम मसाला ऐड किया मैंने, आधा छोटा चम्मच, और मिक्स करके इसे हम 4-5 मिनट और कुक कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा बहुत ही चटपटा सा और लाजवाब बैंगन भरता तैयार है। ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए मेरे साथ फूड एंड मोर विद आर्ची पर बने रहिए।